दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद गुलफाम। आप देख रहे हैं आइडियल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है फिनर्सी कंपनी का HH01 मॉडल। ये शोल्डिंग आयरन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम आयरन है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हम और आपको इसकी डिटेल भी बताएँगे। तो पैकिंग काफ़ी अच्छी थी और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें रख कर आई हुई हैं बॉक्स के अंदर। तो इसके अंदर 6 बिट आती हैं दोस्तों, और ये तरह तरह के जो हमारे वर्क होते हैं, आईसी को क्लीन करना, माइक्रो जंपर, इसमें कई तरह की बिट यूज़ होती हैं, वो सभी बिटें इसके अंदर आई हुई हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू बना हुआ ये आयरन है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो इसके अंदर 6 बिट हैं, एक अडेप्टर है और ये इसका स्टैंड है। तो बिटें देखिए आप क्वालिटी इसकी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बिट हैं और तरह तरह के वर्क के लिए इसकी बिटें बनाई गई हैं। ये 5 है, एक बॉक्स के अंदर भी है। और ये इसका डाटा केबल है जो कि सी टाइप है दोनों तरफ से, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की ये केबल है। बहुत सॉफ्ट है, सिलिकॉन टाइप लग रही है एकदम देखने में। और कनेक्टर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम टाइप के कनेक्टर हैं। तो फिनर्सी जो कंपनी है वो काफ़ी तरह की चीज़ें बनाती है, शोल्डिंग आयरन वगैरह। ये इसके साथ एक कनेक्टर भी है चार्जिंग के लिए। ये इसका स्टैंड है। और ये इसकी पावर सप्लाई कह सकते हैं, अडेप्टर कह सकते हैं इसको। और ये 65 वाट का है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अडेप्टर है ये। और इसके अंदर एक सी टाइप कनेक्टर भी है पीछे बैक साइड इसके, जिससे हम मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो जो सी टाइप कनेक्टर है हमारा वो यहाँ लगेगा डाटा केबल ऊपर की साइड, और तो उसमें दूसरी साइड आयरन में लग जाता है। और ये आयरन की टिप को साफ़ करने के लिए स्पंज वगैरह है ये, और जो कि ये अडेप्टर में यहाँ लग जाता है। चलिए अब हम बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। पैकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, अच्छे से पैक करके भेजा हुआ है और सारी डिटेल बॉक्स के ऊपर ही लिखी हुई है क्या क्या खासियत है इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छे से इसको ओपन करने के लिए दिया हुआ है। तो ये बॉक्स बाहर निकल आया और इसमें लगी हुई है यूज़र मैनुअल। तो ये जो यूज़र मैनुअल है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है, कैसे सेटिंग करना है इसको, सेलिब्रेट वगैरह सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तरह तरह की लैंग्वेजेस में है ये। तो चलिए इसको रखते हैं एक तरफ और अब हम देखते हैं आयरन को। ये इसका पैन है और ये बिट, और ये है इसका कैप। ये इस तरह से लग जाता है यहाँ पर। ये कैप से क्या होगा, मॉइस्चर वगैरह से बचा रहता है बिट वगैरह जो होती है। उसको साथ कहीं लेकर के भी जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ग्रिप जो बहुत अच्छी है आयरन की। और ये इसका नट है जहाँ पर हम इसे खोल करके यहाँ पे बिट लगा सकते हैं। ये नट होता है और ये हम यहाँ पे इस तरह से बिट इस पर लगा देते हैं और फिर ऊपर से ये नट घस जाएगा और उसके बाद ये बिट हिलेगी नहीं। मेरे पास OS का शोल्डिंग आयरन है जिसमें इस तरह का नट वगैरह नहीं है, तो बिट ढीली हो जाती है, तो उसमें एरर आने लगता है आयरन के अंदर। तो इस तरह से कैप लग जाएगा बिट के साथ भी, इससे बिट भी सेफ रहेगी। कभी कभी क्या होता है जो पेन होता है ना गिर जाता है फर्श वगैरह पे तो डैमेज हो जाता है, उसकी बिट जो होती है आगे की बेकार हो जाती है। अगर ये कैप लगा हुआ होगा तो बिट सेफ रहेगी, साथ ही मॉइस्चर से भी बचा रहेगा ये। पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और ये इसका डाटा केबल है जो कि C टाइप टू C टाइप है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत सॉफ्ट है। इस तरह से यहाँ पे जो आयरन का पैन है उसमें लग जाता है ये, और ये एडाप्टर में लगेगा इस तरह से। तो यहाँ आपका आयरन का सेटअप रेडी है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारी सेटिंग की जा सकती हैं बटनों से। स्लिप मोड वगैरह सेट किया जा सकता है, टेम्परेचर सेट किया जा सकता है फास्टली। तो अभी मैंने जो सेट किया है वो 420 टेम्परेचर सेट किया है और आप देख सकते हैं कितनी फास्टली ये बढ़ रहा है टेम्परेचर इसका। और ये आप देख सकते हैं 420 टेम्परेचर इसका हो चुका है। तो दोस्तों ये जो है 80 से 420 के बीच इसका टेम्परेचर हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं कि ये शोल्डिंग मेल्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। साथ ही बहुत से आयरन ऐसे होते हैं कि शोल्डर को चिपकाते नहीं हैं, उनका जो कुछ बिट जो होती है ना वो शोल्डर को नीचे गिरा देती है या फिर वो चिपकता ही नहीं है ज़्यादातर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर आराम से चिपक रहा है और अच्छे से पिघला भी रहा है। और टेम्परेचर आप देख ही रहे हो यहाँ पर, ये देखिए। ज़्यादातर आयरन की बिट ऐसी होती हैं कि वो शोल्डर को चिपकाती ही नहीं है। मैं दोबारा ट्राई करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। जितना भी हम शोल्डर पिघला रहे हैं वो सीधा इसके ऊपर जाके चिपक रहा है सीधा, जबकि कुछ आयरन में क्या होता है वो चिपकता ही नहीं है यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन बिट है इसकी। और अदर भी हम बिट टेस्ट करके देखेंगे अभी। ये देखिए दूसरी बिट है और इसका मॉडल है HH001B2। यह है HH01KR। तो इसके बारे में सभी बिटों के बारे में आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहीं पर बाय लिंक वगैरह सब चीज़ होगी। ऑफिशियल इसका स्टोर है FNIRSI.com। KH065 बिट थी और काफ़ी प्रीमियम बिट लग रही है मुझे यहाँ पर IC क्लीन वगैरह करने के लिए। और मेरे काम की ये बहुत अच्छी बिट है, माइक्रो शोल्डिंग के लिए बहुत काम आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप है इसका। किसी तरह की हम बिट लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं इसको। ये देखिए कितना इसमें बारीक वर्क हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जंपर लगा के देख रहा हूँ इस बिट से कैसे लगेगा। काफ़ी बारीक बिट थी लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि ये थोड़ा मोटा है ऐसे माइक्रो जंपर के लिए, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इससे भी काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जंपर भी हमारा लग गया इससे आसानी से। और मैं पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा इसकी सारी बिट वगैरह को कैसी वर्क कर रही है। माइक्रो के लिए अच्छा था, माइक्रो जंपर के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। थोड़ा और पतला होता तो ये और अच्छा वर्क करता। चलिए अब मैं एक CPU के पैड को क्लीन करके देखता हूँ इससे किस तरह से होता है। बिट भी मैंने चेंज कर ली है यहाँ पर। और सबसे अच्छी खास बात क्या है, उस वेबसाइट पर आपको सभी चीज़ें अलग अलग मिल जाती हैं बिट वगैरह। कोई भी पार्ट ख़राब हो जाएगा आयरन का आपको अलग से मिल जाएगा। जैसे लीड ख़राब होगी तो अलग से परचेज़ आप कर सकते हैं, स्टैंड वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, बिट वगैरह सब चीज़ परचेज़ आप अलग से कर सकते हैं। कुछ आयरन की बिट वगैरह यहाँ पर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे इस बात में भी ये अच्छा लगा। आयरन बिट वगैरह काफ़ी अच्छी हैं इसकी और जो हीटिंग सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो CPU के पैड कोई भी डैमेज नहीं हुआ था, आराम से उसको साफ़ कर लिया मैंने। और अब मैं चार्जिंग जैक वगैरह निकाल के देखता हूँ उससे निकलता है या नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ये आसानी से जैक भी निकल गया। मैंने कुछ आयरनों में ये देखा है कि जब 400 टेम्परेचर होता है ना, तो फिर पैन जो होता है पीछे तक गर्म होने लगता है, जबकि इसका पैन बिल्कुल भी यहाँ पर गर्म नहीं हो रहा था। जहाँ से हम पकड़ते हैं पैन को, आयरन को, वहाँ बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा था। तो मैंने बिट यहाँ पे चेंज की है। और कुछ भाई जो होते हैं वो TST टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड पे वर्क करते हैं और इस तरह से उनको डिसोल्डिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से डिसोल्डिंग करके देखी यहाँ पर ये कामयाब होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सक्सेसफुली इसने डिसोल्डिंग कर दी, यहाँ पर सभी जगह से शोल्डर हट चुका है और जो भी कंपोनेंट हमारा था वो आसानी से निकल गया। यहाँ पे मैं एक और कनेक्टर निकालने की कोशिश करता हूँ इससे और देखते हैं। आयरन की हीटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया हीट हो रहा है। और इस समय जो है 250-300 के आसपास वोल्टेज आ रहे थे और बहुत ही बढ़िया से वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये मुझे लगभग 5000 रुपये में इंडिया में आकर के पड़ा है। मैंने सीधा चाइना से इसको ऑर्डर किया है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और वहाँ पे ये $56 का है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।